तो चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो 31 दिसंबर 2019 को ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? वुहान शहर में, जो एक चाइना का शहर है, वुहान शहर। और क्लस्टर ऑफ निमोनिया केस इन चाइना, तो सबसे ज़्यादा जो निमोनिया के केस कहाँ देखने को मिले, वो भी चाइना में। और पहले ये अननोन वायरस था, बाद में इसका नोमन कल्चर किया गया और इसका नाम रखा गया 2019 नोबेल कोरोना वायरस। बाद में से 11 फरवरी 2020 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और WHO ने नोबेल कोरोना वायरस से COVID-19 इसका नाम रख दिया है। तो अब बात करते हैं कोरोना वायरस की शेप और साइज की। तो ए लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस, यानी जो वायरस है वो ग्रुप में रहते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है और उसकी इस तरह की जो शेप है वो दिखाई पड़ती है। जो अंदर की तरफ है वो जेनेटिक मटेरियल है और वो एनवलप के थ्रू बंद रहता है। उसके बाद जो है प्रोटीन स्पाइक्स है, जो कांटे से दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन स्पाइक्स हैं और ये एक क्राउन की तरह दिखाई देते हैं। ये देखो क्राउन की तरह, क्राउन से बनता है कोरोना और इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया कोरोना वायरस। डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस, पहला है रेस्पिरेटरी और दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। तो रेस्पिरेटरी पर आते हैं कॉमन कोल्ड टू निमोनिया, जो जनरली क्या है, माइल्ड डिजीज है, जो आमतौर पर भी हो जाती है और ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती। तो सम केसेस में क्या होता है, सीवियर डिजीज हो जाती है, जैसे सार्स हो गया है, सार्स कोरोना वायरस चाइना में, तो सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस चाइना में आया था, ये 2003 में देखने को मिला। और मियर्स है, मियर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये सऊदी अरबिया में देखने को मिला 2012 में। और अब 2019 में देखने को मिला है नोबल कोरोना वायरस, जिसे कोविड भी बोलते हैं, COVID-19, जो हाल फिलहाल में चाइना में आया है। तो ये फैलता किस तरह है, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से फैलता है, जैसे कोई सिक पर्सन हो गया है तो उससे फैमिली मेम्बर में फैल सकता है, उससे हेल्थ केयर वर्कर्स में आसानी से फैल सकता है। तो ये इस तरह आसानी से कॉन्टैक्ट से ये दूसरे पर्सन में जा सकता है। ओरिजिन ऑफ द वायरसेस, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, कहाँ से आया है, ये कैमिल से आया है, ऊँट से। और SARS कोरोना वायरस, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये कहाँ से आया है, कैट से आया है। और उसके बाद 2019 नोबेल कोरोना वायरस, ये माना जा रहा है कि ये कुछ रिसर्च में बता रहा है कि ये बैट से आया है, अभी इसका कन्फर्म नहीं हुआ है। तो चलिए अब ट्रांसमिशन देखते हैं कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन किस तरह होता है। जैसे इन्फेक्टेड सिक पर्सन है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इसने कफ किया या स्नीज किया, तो जो ड्रोपलेट्स है वो इन्वायरमेंट में आएगी और जो सही है, वेल बींग है कोई भी व्यक्ति, तो अब वो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा, यानी कंटामिनेटेड विद वायरस। जो ये ड्रोपलेट है ये फुल ऑफ वायरस है जो दूसरा पर्सन अफेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हैं या उससे कोई सामान लेते हैं, यानी कॉन्टैक्ट में आते हैं उसके, तो तब भी हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। कोई सिक पर्सन से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हम कोई वस्तु लेते हैं, सामान लेते हैं या हाथ मिलाते हैं या उसके करीब रहते हैं, तो क्या हो सकता है, हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस डिजीज से। तो अब देखते हैं ग्रुप मोस्ट एट रिक्स, यानी सबसे ज़्यादा जो रिक्स है वो किस में है, यानी जो हम एनिमल्स के करीब रहते हैं, कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, यानी ज़्यादा क्लोजली रहते हैं एनिमल्स के, तो तभी हमें हो सकता है। या फिर लाइव एनिमल मार्केट में, मार्केट वर्कर, जैसे जो जानवरों की जहाँ खरीद बिक्री होती है वहाँ पर हम जाते हैं, तो वहाँ भी अफेक्ट हो सकते हैं। या फिर केयरिंग फॉर दोज विच इन्फेक्टेड फैमिली मेम्बर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, तो इसके पास जो हेल्थ केयर वर्कर्स होगा या फिर फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो उसमें भी चांसेस है इन्फेक्टेड होने के। तो अब कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखते हैं, तो सबसे पहले माइल्ड स्टेज आएगी जिसमें फीवर कफ वगैरह होगा, और वो किसकी तरफ जाएगा, सीवियर कंडीशन की तरफ। तो सबसे पहले फीवर होगा और उसके बाद कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर उसके बाद सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा निमोनिया, उसके बाद जो है किडनी का फेलियर हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में डेथ हो जाएगी। तो मोर्टिलिटी रेट जो है अब तक सही तरह पता नहीं चल पाई है